दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर विवाद जारी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने की खबर आई है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, आपके नेताओं के फर्जी मामलों में इन्हें फंसाया जा रहा है। सिंह ने आगे कहा कि केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए इसी तरह की साजिश रच रही है। 14 घंटे छापे मरवाए आपने मनीष सिसोदिया के घर, सारी जांच करा ली, कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई संपत्ति का कागज नहीं मिला, कोई रुपए की बरामदगी नहीं मिली, कोई सोना नहीं मिला। देश के 31 ठिकानों पर छापेमारी की, मोदी जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं, क्या मिला मनीष सिसोदिया के पास? बोले अच्छा कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया पे। चलो एक नौटंकी करते हैं, मनीष सिसोदिया पर लुकआउट नोटिस जारी करते हैं।